जीना। आइए सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घनी देर से नूट रो रहे हो, सरपंच ना दिखे, सारो गांव दिखे से, और जबकि सरपंच साहब ने तो पहली आना चाहिए, तो एक बार ताली बजाए सरपंच साहब के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लिखा? रे बंदे तो दिन का जीना, सदा रहनी न खोड़, ओ क्या का गमंडू कर से, क्या की कर से मरोड़ बंदे तो दिन का जीना, सदा रहनी न खोड़, बंदे तो दिन का जीना, सदा सदा रहनी ना खोड़। खोड़ का मतलब इस शरीर के बारे में कहा गया है कि सदा मदा यो नुई रह, नुई नहीं रहेगा, एक दिन यो न्यू डल जाएगा जैसे ओस का पानी डल जाए। कभी किसी भाई ने घमंड हो, यहाँ बैठे हो भाई थम तो सदा मदा नुई रहोगे, नुई यो सलाद चलेगी, नुई नीर की, नुई असला, एक दिन खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा सुनिएगा। सदा रहनी ना खोड़। इस पति ने त्याग के भगवान के भजन करया कर। कदी तू नू सोचे भाई नू रहेगा, लेकिन बुढ़ापा एक दिन सबके अंदर आना है, कड़वा सत्य है। संसार के अंदर हर एक पल पक्कर के मीठा हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा ही ऐसा है जो पकड़ने के बाद कड़ा हो जाता है। क्यों? बूढ़ा आदमी ने पाडा ने गंडा सन कौन रखे है? आदमी जब कमाता रहेगा तो सबने अच्छा लागेगा, और फिर जब बूढ़ा हो जा कोने में खाट गाल दी जा, और जब यो थूक बगावे ना बड़ा बड़ा, जब छोरा की बहू बैठे आग ना लगे डेढ़ यो ना मरे। क्यों भगवान का भजन कभी कराया ही नहीं अगले ने? सुनिएगा क्या लिखा। जी
और सुनिए नंबर तीन के माध्यम से अच्छी बात बताई, क्योंकि हर जीव संसार के अंदर कर्म करने के लिए पैदा होता है, संसार के अंदर कर्म प्रदान होता है। एक अरसे में बताया था कि भाई मानव तू कर्म करे जा, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। जैसा कर्म आदमी संसार में करता है वैसा मिल जाता है, देने वाला सबको भगवान होता है। जैसे कण कीड़ी ने मन आती ने बंदड़े की गैल बराती ने, देने वाला भगवान बंदे की बस की बात नहीं। एक कण कीड़ी को खाने के लिए देता है तो भगवान देता है, मन हाथी को भगवान देता है, एक बंदड़े के साथ 250 बराती जीवने जाते हैं तो भगवान की सबसे बड़ी बदौलत है। फिर बताया कि किसी सतपुरुष की शरण में चला जाए जिससे तेरे जन्म जन्म के पाप कट जाए, तेरी बुद्धि में किम बात बैठ जाए। क्या लिखा सुनिएगा, मन का सारे दिन उस घाट पे लोटा लोटा आवाज मारे, फलाने ओ दिकड़े पानी पकड़िए, भीतर तो आवाज आवे तू खुद खड़ा होकर पीले, तूने कौन सी खड़खा रखी है। फिर याद आई कि यार भगवान के भजन कर लेता तो ठीक ही रहता, जब तक सारा खेल खत्म हो गया था। क्या लिखा सुनिएगा, लुट के हुआ तू सियाणा, और लुट के पड़े